नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टर कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगाने को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है। वहीं कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान के ऊपर से रासुका हटाकर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार डॉक्टर कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि कफील खान पर CA और NRC के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर NSA लगाया गया था। पिछले करीब 7 महीने से कफील खान जेल में बंद थे। NSA लगाने के फैसले को उनके परिवार की ओर से अदालत में चुनौती दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट INS न्यूज़।